हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि राठौर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 11 नायक जी में। तो फ्रेंड्स, मैंने अब ये टारगेट बना लिया हूँ कि मैं अब प्लग फैक्ट्री से रिलेटेड हर वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप प्लग फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो आपके यहाँ डिलीवर हो जाता है, उसके बाद आप उसको रिटर्न कैसे करते हैं अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं, यानी आपको उससे संतुष्टि नहीं है कि यार प्रोडक्ट थोड़ा ख़राब है या मुझे पसंद नहीं आया, जो भी हो अगर आप उसे वापस करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले, फुल डिटेल में आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। इसमें पूरी वीडियो की जो प्रोसेस रहती है प्रोडक्ट रिटर्न करने की वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट की रिटर्न प्रोसेस करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं। जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो पहले आप उसे चेक कर लें कि क्या उसकी रिटर्न पॉलिसी है या नहीं। किसी किसी प्रोडक्ट में नहीं आती है, बाय चांस प्रोडक्ट में नहीं आती, वरना तो हर प्रोडक्ट में आती है। अगर आती भी है तो कितने दिनों की आती है वो भी आप चेक कर लें ऑर्डर करने से पहले कि कितने दिनों में इसे हम वापस कर सकते हैं। और एक अगर आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है तो उसका क्या कारण है आपको उसे वापस करने का, ये भी आपको बताना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट रिटर्न की प्रोसेस करते हैं तो वहाँ से आपसे कारण पूछा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप उससे कंफर्म हैं तो ही आप उसे रिटर्न करें, क्योंकि जब आप उसे रिटर्न प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। तो मैं अभी सारी डिटेल्स आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं हमारे क्लब फैक्ट्री ऐप पर। इसे हमने ओपन करना है, ये हमने ओपन किया। यहाँ से आपको अपना होम पेज दिखाई देगा। अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा अपने अकाउंट पर, ठीक है। यहाँ से आपको ऑर्डर्स दिख रहा होगा, यहाँ से आपको ऑर्डर्स के साइड में क्लिक करना होगा जहाँ पर व्यू आल लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की सारी जानकारी मिल जाती है, जो आने वाले हैं उनकी, जो डिलीवर हो चुका है उनकी, ठीक है। ये हमारा पहला शूज़ है, ये अभी आना बाकी है, ठीक है। ये हमारा ग्रे कलर का जो कि आ चुका है, और ये वाला शूज़ भी अभी आना बाकी है। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, इससे हमें इसमें थोड़ा मज़ा नहीं आया है तो हम इसे वापस करना चाहते हैं। तो इसमें हमें व्यू ऑर्डर डिटेल्स देखिए, इसके नीचे लिखा होगा हल्की सी ग्रे लाइन में अप्लाई फॉर रिटर्न, इस पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट होता है इसकी सारी डिटेल हमें शो कर देता है। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट के पहले डिटेल चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको अगर रिटर्न करना है या कंफर्म हो जाए कि हाँ यार हमें इसे रिटर्न करना है, तो देखिए यहाँ पर अप्लाई फॉर रिटर्न आफ्टर डिलीवर्ड लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपसे कन्फर्मेशन मांगता है सबसे पहले क्लब फैक्ट्री कि आप कन्फर्म हैं, तो आप कंफर्म हो तो ही यहाँ पर क्लिक करें। मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया रिटर्न पॉलिसी वैलिड टिल नाउ 19 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें 19 तारीख से पहले पहले हम इसे रिटर्न कर सकते हैं, अप्लाई फॉर रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट का जो सबसे पहले रीज़न होता है वो बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि आप जो भी सजेस्ट कर लें। यहाँ से लिख दीजिए माय रीज़न इज़ नॉट लिस्टेड, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, इसे सबसे अच्छा रहेगा। इस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट की ऑर्डर डिटेल है आप वही सबमिट कर सके तो ठीक है। यहाँ तो साइड में आपको फ़ोटो या प्रोडक्ट डिटेल भी आपको देना होगा। तो यहाँ से आप पैकेज फ़ोटो भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास रखा हुआ है ये, इसे हमने फ़ोटो इसकी लेना है, तो हमें यहाँ पर पैकेज फ़ोटो भी हम ले लेते हैं। हमें ये प्रोडक्ट की फ़ोटो है वो इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से हमने फ़ोटो ले लेनी है। ये हमने फ़ोटो ले ली,
पैकेज की, ठीक है। और यहाँ पर आपको और भी कुछ प्रोसेस करनी होती है, ये देखिए सारी प्रोसेस आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर नीचे लिखा है प्लीज़ अपलोड द इमेज दैट हैज़ प्रॉब्लम विथ प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर सर्विस स्टाफ कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट डिटेल में अगर कोई वीडियो बना के रखे हो तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ नीचे रीजन लिख देते हैं नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम जो रिफंड चैनल है इसे यहाँ पर आप बैलेंस पढ़ सकते हैं कि व्हेन वी रिसीव द रिटर्न पैकेज टू मनी विल बी रिफंड टू द बैलेंस ऑफ क्लब फैक्ट्री अकाउंट विच अकाउंट कुड बी विड्रॉन, ठीक है। यहाँ से मोर आपको जो पॉलिसी रहती है वो भी, तो यहाँ से आप अगर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं हम हमारे पास क्या ऑप्शन ओपन होता है। तो ये देखिए द सेलर हैज़ अप्रूव्ड योर रिटर्न रिक्वेस्ट, प्लीज़ कंटिन्यू योर रिटर्न रिक्वेस्ट, यू विल सी आवर रिटर्न एड्रेस इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एड्रेस भी वेरीफाई कराना होगा ताकि जो आएंगे उन्हें हम यहाँ से प्रोडक्ट दे सकें, कंटिन्यू रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको देखिए जो हमारा एड्रेस है ये ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको जो रिफ़ंड टोटल है वो आपको देखिए यहाँ से 90 रुपये माइनस कर रहा है, 409 रुपये हमें मिलेगा। तो ये हमें ठीक है, 90 रुपये माइनस हो रहा है, जो कि आप कुछ भी इनकी पिकअप फी रहती है तो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार 400 रुपये तो कम से कम हमें वापस मिल रहे हैं, हमारे 90 रुपये जा रहे हैं, तो चलिए इसे हम सबमिट करते हैं। यहाँ से आपको एड्रेस फिर से एक बार चेक कर लेना है। तो ये मैंने सबमिट किया, ये देखिए यहाँ पे अब पिकअप जो रिक्वेस्ट के लिए हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो लेने आएंगे हमारा प्रोडक्ट वापस, उन्हें अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी। अभी हमारी दो मतलब अब वो वहाँ से निकल चुके हैं हमारी, ये देखिए हमारे पास डेट आ चुकी है 11 से 14 तारीख तक वो आएंगे और हमारे पास से प्रोडक्ट लेकर जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारा ये जो प्रोडक्ट होता है इसकी जो प्रोसेस रहती है वो हमें यहाँ पर शो होती रहेगी। तो वीडियो को करते हैं क्लोज़। अगर आप इस वीडियो में कुछ समझ नहीं पाए तो बिल्कुल आप इसे फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरीके से आप क्लब फैक्ट्री का प्रोडक्ट है उसे आप रिटर्न कर सकते हैं। इसकी जो रिटर्न पॉलिसी होती है उसके लिए आपको पहले कन्फर्म होना होता है कि आप वाकई में इसे वापस करना चाहते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन आपको बारीकी से इसमें पता चल ही गया होगा कि क्या क्या प्रोसेस रहती है, हमें इसमें सारी डिटेल फिल करनी होती है। और जो एड्रेस का वेरिफिकेशन होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि हम जिस जगह पर हम कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो जाहिर सी बात है वहीं से हम उसे वापस करेंगे, आप दूसरी जगह जाकर तो उसे वापस नहीं करेंगे। तो जो एड्रेस डिटेल होती है वो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है पिकअप करने के लिए। अब यहाँ से वो हमें जो ये प्रोडक्ट है उसे पिकअप करेंगे और उसके बाद उसे चेक करेंगे कि कोई हमारे द्वारा मिस्टेक तो नहीं की गई हुई, थोड़ा सा वेरिफिकेशन होता है हल्का सा, उसके बाद वो ले जाते हैं और फिर हमारे से हमारे रिफ़ंड की प्रोसेस पूछते हैं कि आप किस तरीके से पेमेंट लेना चाहते हैं, कैश लेना चाहते हैं या बैंक में लेना चाहते हैं या जो क्लब फैक्ट्री का अकाउंट है उसमें लेना चाहते हैं। तो आप जो सूटेबल रहे उन्हें बता सकते हैं, जो पिकअप बॉय होता है उन्हें आप सारी डिटेल्स दे दीजिए कि किस तरीके से आप पेमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको उस तरीके से आपका पेमेंट दिया जाता है। तो क्लब फैक्ट्री में प्रोडक्ट रिटर्न करने की ये जो पूरी प्रोसेस है मैंने आपको वीडियो के ज़रिए बता दी।
और भी जानकारी जैसे क्लब फैक्ट्री की और कुछ भी जानकारी आती है तो आगे मैं अपने वीडियो में बताता ही रहूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, बाय।